अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से? वेलकम टू नीलो किचन। नीलो किचन में आज बना रही हूँ शामी कबाब, मज़ेदार किस्म के। आप चाहे ब्रेकफास्ट में लें, लंच में लें, डिनर में लें, जब भी लें, लेकिन बिल्कुल हल्की सी ग़िज़ा है बिल्कुल। तो शामी कबाब मैंने बनाया और ये आपको चटनी बता रही हूँ, ग्रीन चटनी, कैचअप, और मैंने ये सैंडविचेस के लिए स्लाइस ली है। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इजी तरीका है, कोई भी बच्चे से बच्चा, बड़ा से बड़ा, कोई भी बना सकता है। आप चटनी अपने हिसाब से डालें, जितनी आप हिसाब से लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चटनी एक मैंने मैं ज़्यादा तेज़ खाती हूँ, तो मैं इसलिए अपने हिसाब से मैंने चटनी तीखा और खट्टा खाती हूँ ज़्यादा लिए। तो ये चटनी मैं हिसाब से बता दूँगी। जिस तो एक चम्मच केचप लिया, इसको केचप को अच्छी तरह अपना स्लाइस में करें। ठीक है व्यूअर्स, स्लाइस में अच्छी तरह करें, उसको ना मिला लें चम्मच से ना, तो एक जगह कर लें। ठीक है व्यूअर्स, और फिर इसके बाद अच्छी तरह इसको ज़बरदस्त किस्म का केचप लगा लें। जब केचप लग जाए स्लाइस में, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। 10 मिनट में आपका तैयार होगा ये सैंडविच, लेकिन शामी कबाब तैयार हो। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मेरी बेटी आके मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रही, तंग कर रही है, तो फिर इसलिए इसका बनाने में होगा। इसको शामी कबाब को हमने जो मैंने आपको बताया था, इसको अच्छी तरह फ्राई करें। अच्छी तरह मैंने इसके अंदर फ्राई करके मैंने डाल दिए। ठीक है, इसको बिल्कुल फैला दिया है सैंडविच में। बहुत इजी तरीका, ना सैंडविच मेकर ना कुछ, आप तवे पे फ्राई कर लें, ईजी तरीके से बना दें। और इसके ऊपर दूसरी स्लाइस रख दें। ठीक है, ये स्लाइस रख दिए, अब इसको हम चूल्हे पे करेंगे। बिल्कुल अच्छा सा बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लाइट है सैंडविच, और मज़ेदार किस्म का बनेगा। बिल्कुल जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप सैंडविच खा लें, चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब चाहे आप लंच पे ले जाएं, आप बाहर घूमने जाएं तो बाहर घूमने भी ले जा सकते हैं, कि ईजी है, आराम से ईजी हो के छोटी पतली सी हल्की फुल्की ग़िज़ा है कि स्लाइस में शामी कबाब रखे और सैंडविच तैयार, फटाफट जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। माशाल्लाह, ये देखें, ये तैयार हो गया शाम का नाश्ता। मैं अपने लिए मैंने कराया है और मैं चाय के साथ ये पीऊँगी और बताऊँगी आपको कैसी लगी ये रेसिपी, आप बताना। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें तैयार हो गया, मैं आपको खा के दिखा रही हूँ कितना मज़ेदार बना है ये सैंडविच, बिल्कुल डिलीशियस। आप लोग खाएंगे और खाते रह जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, दुआओं में याद रखना।